पत्नी और बेटियों की हथौड़े से जानलेवा वार कर हत्या कर दी है। वहीं आरोपी की तीसरी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर में सईद मेंटल ने अपने परिवार के साथ रहता था। परिजन और पुलिस के मुताबिक सईद मेंटल अपने परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। बीती रात सईद का अपने परिवार के लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि जब परिवार के लोग रात में सो गए तो सईद मेंटल ने हथौड़े से अपनी पत्नी और तीन बेटियों के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे सईद की पत्नी और दो बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी को गंभीर हालत के चलते मेरठ के हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर का एक मामला सर सामने आया है। इसमें अब किन कारणों से ये हत्या की गई और अभी तक गिरफ्तारी को लेकर तैयार कितने प्रयास किए जा रहे हैं? थाना शिकारपुर के अंबेडकर नगर मोहल्ले में सईद सना हफीज जो 60 वर्ष का है, इसके द्वारा रात में अपनी पत्नी सफीला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी तथा तीन बेटियाँ रजिया, सबाना और सुल्ताना, जिसमें रजिया की उम्र 20 साल, सबाना की 15 साल और सुल्ताना की 18 साल है, इन तीनों के सिर पे हथौड़े से चोट पहुंचा करके हत्या का प्रयास किया।